नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं राशि फल की ओर। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशि फल 18 सितंबर से 24 सितंबर तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, सामाजिक क्षेत्र में आपको इस सप्ताह मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही परिवार में चल रहे तनाव के माहौल में इस सप्ताह शांति देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने बड़े बड़े रुके कार्य को पूर्ण कर सके हैं। इस सप्ताह आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में काफी सहायता करेगी। इस सप्ताह आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी खुशी आपके परिवार में आने वाली है जिस कारण आप और आपका परिवार बहुत खुशी महसूस करेगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत दही शक्कर खाकर करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपके लिए अपने रिश्तों में मजबूती लाने वाला सप्ताह रहेगा। अपने करियर में आगे बढ़ने, समझदारी से वित्त प्रबंधन करने और भलाई को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें नए अनुभवों के लिए भी खुला रहना चाहिए और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। जातक को प्यार तथा रोमांस का अवसर प्राप्त होगा। संतान को प्रतियोगी की परीक्षा में सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। समाज में प्रसिद्धि बढ़ेगी तथा पुराने विनियोग से धन संग्रह होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि, इस सप्ताह के शुरुआती दौर से ही आप अपने व्यापार को और तेज करने में संलग्न रहेंगे। क्रिएटिव कार्यों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह लेखन, आर्ट, कल्चर से जुड़े लोगों को कोई विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। परिवार में चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। संपत्ति खरीदने की बात बनती नजर आ रही है। बस सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। यह भी सलाह दी जाती है कि इस राशि के जातक इस सप्ताह कोई भी हठपूर्ण कार्य ना करें, वरना मित्रों परिजनों से मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफेद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत गरीबों को आप किसी भी प्रकार से सहायता करके करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि, इस सप्ताह आप पढ़ने लिखने में अधिक सक्रिय रहेंगे जिससे आने वाले समय में आपको बढ़त प्राप्त रहेगी। शनि की ढैया के प्रभाव के कारण आप इस सप्ताह असमंजस यानी अनिर्णय की स्थिति में रह सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में भी माहौल पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला रहेगा। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिन सकारात्मक मानसिकता बनाने में मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद सुलझ जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात करके मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपने घर परिवार के लोगों से जहां मेल मिलाप बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, वहीं अपने बलबूते कुछ साहसिक निर्णय लेंगे जिससे सामाजिक ख्याति में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में परिजनों से संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। मन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रह सकती है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग दोनों के लिए सप्ताह लाभदायी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह उत्तम रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग काला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत बच्चों को कुछ गिफ्ट करके करें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कोई कार्य पूरा नहीं होने से मन विचलित रहेगा।
संपत्ति संबंधी काम अटक सकते हैं, कुछ मामलों में आर्थिक परेशानी महसूस कर सकते हैं, स्त्री मित्रों से लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है, व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी, बॉस से संबंध सुधरेंगे। सप्ताह के अंतिम दो दिन आपको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है, देर रात्रि तक ना जागे। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्र देव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, यह सप्ताह कई मायनों में आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कार्य सिरे चढ़ने लगेंगे। घर में विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। आईटी सेक्टर, मेडिकल लाइन और मार्केटिंग लाइन में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपकी राशि पर चल रही शनि के ढैया के प्रभाव के कारण इस सप्ताह संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। साथ ही अनैतिक और बेईमानी के कार्यों से इस सप्ताह तौबा ही करें तो बेहतर होगा। नए मित्र या बिजनेस में नए साझेदार बनाने से पहले उनकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लें। खर्च की अधिकतर तो रहेगी ही, साथ ही काम समय से पूरा नहीं होने के कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, इस राशि की नौकरी पेशा स्त्रियों को प्रमोशन मिलेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लेखन कला से जुड़े जातकों की प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा आकस्मिक खर्च आ सकता है, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मौसमी बीमारियों के साथ हृदय और दमा रोग से परेशान रह सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, उच्चाधिकारियों के सहयोग से वेतन वृद्धि पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। गृहस्थ जीवन में आनंद का माहौल रहेगा। पिता की तरफ से लाभ मिल सकता है। अचानक किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। लेखन साहित्य सृजन कर सकेंगे। इस राशि वाले जातकों की सेहत में सुधार आएगा, लेकिन पूर्ण स्वस्थ होने में अभी वक्त लगेगा। आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग नारंगी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि, बिजनेस में सफलता के भरपूर योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अनिर्णय की स्थिति से बाहर आ जाएं। सितारे मेहरबान हैं। फ्लैट या वाहन खरीदने के लिए वक्त अच्छा है। विदेशों में व्यवसाय करने वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है। घर में परिजनों के साथ आनंद पूर्वक समय गुजारेंगे। धन लाभ का योग नजर आ रहा है। कार्य में यश मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर सकेंगे। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ा कर करें। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, आपकी राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। चाहे कार्यस्थल हो या परिवार, महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी रखें। विवाद हो सकता है, लेकिन आप वाणी पर संयम रखेंगे तो विवाद टल भी जाएगा। सप्ताह के अंतिम दो दिन में मकान वाहन संपत्ति की खरीदी बिक्री करते समय सावधान रहें। दस्तावेजों को बारीकी से जांच कर लें। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।